यहाँ पे आप वो देख सकते हो कि ये जो गाड़ी हाईवे पे आपको इजीली 23 की माइलेज निकाल के दे देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो भाई ये पूरा सी सेक्शन जो है वही लिट अप होता है, ये वाला नहीं होता। अगर ये होता तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक आ जाती। तो अगर मैं आपको इसके एनिमेशन दिखाऊं तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ आती है। अगर एक बार हम इसको स्पोर्ट्स मोड में भी डाले तो देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया जो है वो आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। तो हेलो भाई यार, मैं हूँ शानू पटेल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 11 थिंग्स आई लव अबाउट माय रेनो काइगर। तो ऑलरेडी भाई मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने आपको सभी को बताया था कि 5 थिंग्स आई हेट अबाउट माय रेनो काइगर। तो वहाँ पे आप सभी ने बहुत ही बढ़िया प्यार दिया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड देखो भाई, वहाँ पे कई लोगों ने ऐसा भी बोला था कि इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा भी बुरी चीज़ें नहीं है। तो देखो भाई, डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं, इसी वजह से ये जो गाड़ी है वो मैंने परचेस की है। तो आज हम इस सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें तो इस गाड़ी की जो भाई डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है। अगर आप देखने के लिए जाओ तो 10 लैक्स बिलो आपको ऐसी डिज़ाइन वाली बहुत ही कम गाड़ियाँ मिलती हैं। और देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रीज एंड कट्स मिलते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखो तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन जो है वो निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक पहला पॉइंट था कि इस कार की जो डिज़ाइन है ना वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी कई लोगों को डिज़ाइन वाइज ऐसा लगेगा कि ये जो गाड़ी है वो आगे से आपको क्विड की तरह दिखती है, बट वो चीज़ ज़रूर है हाँ, क्योंकि ये इसका मेन रीज़न यही है कि इसकी जो DRL है वो इस तरह से है कि आपको जो है वो क्विड की तरह दिखे। क्विड में भी ऐसी DRL आती है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि क्विड में यहीं तक आता है और ये जो है ये पूरा L शेप जो आप देख रहे हो वो इसमें जो है वो एक्स्ट्रा आता है। और डेफिनेटली गाइज, अगर दूर से देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट जैसे आप नज़दीक आओगे तो गाड़ी इतनी वाइडर है तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्विड है कि नहीं। एंड हाँ, अगर स्पेशली ये ब्राउन कलर लेते हो तो भाई क्विड में ब्राउन कलर आता ही नहीं है। तो अगर अभी हम भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी के साथ आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि भाई डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस गाड़ी को मैं भाई इतने खड्डों में लेके जा चुका हूँ अभी तक ये कार मैं 7000 ऑलमोस्ट किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरे को भाई प्रीटी मच बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस गाड़ी को मैं ऐसी ऐसी जगह पे लेके जा चुका हूँ जहाँ पे भाई अगर कोई सीडान होती तो डेफिनेटली कहीं पे भी टच हो जाती, बट ये भाई अभी तक कहीं पे भी जो ग्राउंड में है वो टच नहीं हुई है। इस गाड़ी के साथ मैंने ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत की थी, इतनी ज़्यादा तो वो नहीं थी। तो वो भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रही हो, अगर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो वहाँ पे जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड थिंग यही था कि इस गाड़ी का जो भाई ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो अगर भाई अभी हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इस गाड़ी के साथ आपको मिलती है कीलेस एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि भाई देख सकते हो अभी की जो है वो मेरे हाथ में है, एंड जैसे हम नज़दीक जाएंगे गाड़ी जो है वो ओपन हो चुकी है, देख लो। एंड जैसे हम इसको बंद करके जैसे दूर चले जाएंगे, मैंने कुछ भी की प्रेस नहीं की है, देख सकते हो गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। नो डाउट सभी गाड़ी में कीलेस एंट्री आती है आजकल, बट वहाँ पे यार ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि आपको यहाँ पे बेसिकली एक बटन मिल जाता है जिसको भाई आपको प्रेस करना पड़ता है, जो जिससे गाड़ी जो है वो लॉक अनलॉक हो सके। बट मेनली भाई दिक्कत कहाँ आती है कि जब भाई आपके हाथ में बहुत सारा सामान हो, लगेज हो, एंड आपके हाथ शायद फ्री ना हो, तब भाई आप इसको लॉक कैसे करोगे। तो अगर आपके पास ऐसी कीलेस एंट्री आती है तो सिंपली आप इसको सिंपली धक्का भी मार दो तो भी भाई आप दूर आ जाओ, ये लॉक हो जाती है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट। तो अगर भाई अभी हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस गाड़ी के साथ जो है आपको फुल LED सेटअप वाले हेडलैम्प मिल जाते हैं, तो जो कि भाई नाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी दे देते हैं। जनरली भाई क्या होता है, जिन गाड़ियों में LED सेटअप आता है वहाँ पे आपको जो रोड विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर प्रोजेक्टर ले लो तो। बट यहाँ पे मेरे को एज सच कोई भी इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती। रोड में अच्छा खासा ये जो है वो थ्रो दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो अगर अभी भाई हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मेन भाई ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी कि इसकी जो टेल लाइट है ना वो बहुत ही बढ़िया लुक दे देती है। तो ये आती है भाई 3D टेल लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक आउट आता है, और ये जो आप देख रहे हो वही पूरा रेड में है। बाकी जनरली भाई क्या होता है, पूरा का पूरा रेड होता है, तो वहाँ पे भाई कई लोग ना ऐसे फिल्म विल कुछ चढ़ा लेते हैं तो जिससे ये पूरा सेक्शन ब्लैक हो जाए, बट यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया 3D टेल लैंप देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि इसमें एक दिक्कत जरूर है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो वो लिट अप नहीं होता, बस ये आप सी शेप देख रहे हो वही लिट अप होता है। एक बार मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा लुक जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो भाई ये पूरा सी सेक्शन जो है वही लिट अप होता है, ये वाला नहीं होता। अगर ये होता तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक आ जाती। तो इसके जो ये 3D टेल लैंप है वो भी भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही यूनिक चीज़ है। जनरली आपको ऐसे टेल लैंप जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते इस सेगमेंट की कार में, बट हाँ ये तो भाई पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। तो चलिए भाई एक बार अभी अंदर चलते और बाकी के पॉइंट्स मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ।
तो अगर भाई अभी हम नेक्स्ट चीज की बात करें जो कि पर्सनली मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो ये है भाई इसकी LCD, ये जो स्क्रीन आती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। और इसके अगर मैं आपको इसके एनिमेशन दिखाऊं तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ आती है। अगर एक बार हम इसको स्पोर्ट्स मोड में भी डालें तो देख लो भाई बहुत ही बढ़िया जो है वो आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि भाई मैंने पहले बोला कि आप 10 लाख के नीचे देखने के लिए जाओ तो आपको ऐसी सारी चीज़ें जो है वो कम ही देखने के लिए मिलती है, एंड आपको नॉर्मल एनालॉग वाला सिस्टम जो है वही आता है, डिजिटल जो है वो बहुत ही कम आता है। तो ये एक मेरे को चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। ये आपका मैग्नेट में भी आता है, बट मैग्नेट में ना इसकी जो एनिमेशन है वो बहुत ही बेकार है भाई, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद आए। मेरे को यार इसके एनिमेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया लगे, आप देख लो, आप भी देख लो, बहुत ही बढ़िया जो है वो पूरे के पूरे इसके एनिमेशन है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो अगर भाई अभी हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाई इसका ये जो सेंट्रल कंसोल है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छी लुक देता है। इसकी जो भाई राइवल है यानी कि अपनी मैग्नाइट, उसमें भी आपको जो है ये वाला सिस्टम भाई पूरा नहीं मिलता। ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक देता है। यहाँ पे आपको भाई बहुत ही बढ़िया जो स्पेस है वो भी देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पे आपको स्पेस है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो ये भाई सारी जो सिस्टम है वो बहुत ही महंगी कार्स में आती है, तो आपको ये सारी जो चीज़ है वो रेनॉल्ट बहुत ही देखने के लिए जाओ तो बजट में दे रहा है। तो डेफिनेटली भाई ये चीज जो है सेंटर कंसोल ये पूरा भी मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा खासा पियानो ब्लैक मिल जाता है। ये हैंड ब्रेक जो है वो एक साइड है, पर यहाँ पे भाई एक चीज की दिक्कत जरूर है कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी कप होल्डर्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते। बट पर्सनली मैं बात करूं तो कप होल्डर्स की मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आप में से भाई कई लोग भी ना कप होल्डर्स जो है वो यूज करते ही नहीं होंगे। जनरली आप उसको बस अपना जो आता है वो फ्रेग्रेंस के लिए उसी के लिए यूज करते होंगे, उसके सिवा भाई आप कप होल्डर्स जो है वो बस छोटे छोटे रखने के लिए यूज करते होंगे। तो अगर भाई अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इस गाड़ी में इसका जो केबिन स्पेस है जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ज्यादा है। मैंने ऑलरेडी जो सोनेट आप देख रहे हो सामने ही है, तो सोनेट भी मैंने एक बार चेकआउट की थी और इसका मैंने ड्राइविंग रिव्यू भी बनाया था, बट वहां पे ना मेरे को केबिन स्पेस जो उसका है वो इतना ज्यादा मेरे को वाइडर नहीं लगता, छोटा सा लगता है एज कम्पेयर टू माई काइगर। तो इसका जो भाई केबिन स्पेस है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही वाइडर जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस चीज को भाई आप एक बार पर्सनली बैठ के ही चेकआउट कर सकते हो। मैंने वेन्यू भी चेकआउट की थी, वहां पे भाई वेन्यू में मैं इजिली यहाँ पे जैसे ही मैं हाथ यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे भाई मेरा जो हाथ है वो वहां पे टच नहीं हो रहा, बट वेन्यू में मेरा हाथ इजिली यहाँ पे जो नेक्स्ट डोर होता है अपना वहां पे टच हो जा रहा था। तो केबिन स्पेस के मामले में मेरे को जो काइगर है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस जो गाड़ी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये भाई एक चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो है वो रेनॉल्ट ने यहाँ पे आपको दे दी है। एंड अगर भाई अभी हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो इस गाड़ी का भाई रिसेंटली अपना सेफ्टी रेटिंग जो है वो बाहर निकल के आया है, इस कार ने भाई 4-स्टार रेटिंग दी है। तो वैसे तो भाई मैंने जब ये गाड़ी परचेस की तब इसकी सेफ्टी रेटिंग जो थी वो नहीं आई थी, एंड मेरे को भाई बेसिकली बस मैग्नेट का ही आइडिया था कि उसमें आपको 4-स्टार जो सेफ्टी रेटिंग है वो देखने के लिए मिलती है, और ये और मैग्नेट एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती है, तो मैंने सोचा कि इसका भी भाई 4-स्टार आ ही जाएगा, और ऐसा ही हुआ, 4-स्टार रेटिंग इस गाड़ी ने जो है वो स्कोर कर दिया। तो सेफ्टी वाइज भी भाई बहुत ही बढ़िया है, आपको यहाँ पे भाई सीट में एयरबैग भी मिल जाते हैं और आपको टोटल 4 एयरबैग मिलते हैं, इस वाइज सेफ्टी के मुकाबले भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया जो है वो सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ऑलरेडी इस सेफ्टी रेटिंग के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, वहां पे मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी नेगेटिव चीजें भी दिखाने वाला हूँ, तो वो भाई आप जरूर से देख लेना। एंड हाँ, अगर हम सेफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली टाटा का उसमें कोई भी मुकाबला नहीं है, बट देखो भाई टाटा नेक्सॉन जो है उसका मेरे को इतना ज्यादा लुक जो है वो मेरे को नहीं पसंद आता एज कम्पेयर टू काइगर, तो उस वजह से भाई मैंने 1-स्टार जो है उसको खोपरो कर दिया। बट हाँ, लुक भाई चाहिए था और सेफ्टी रेटिंग भी चाहिए थी, तो ये गाड़ी जो थी भाई बहुत ही बड़े ऑप्शन निकल के आई थी, तो इस वजह से इस कार को मैंने ज्यादातर चूज किया। तो अगर गाइस अभी हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो इस गाड़ी में भाई आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है। अगर दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप कुछ भी रख सकते हो, नीचे की तरफ पे आपका ये ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है, एंड जैसे कि मैंने पहले बताया आपको यहाँ पे भी आपको सेंटर कंसोल में भी बहुत ही ज्यादा स्पेस मिल जाती है। तो स्पेस के मुकाबले में भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही ज्यादा आपको यार ऐसी स्पेस मिलती है जहां पे आप कुछ भी अपना सामान रखना वो रख सकते हो। मेनली तो भाई ये चीज जो है वो ही बहुत ही ज्यादा इनफ है अगर आपको कुछ भी रखना हो। यहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ स्पेस मिल जाती है, नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। हालांकि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है कि आपको यहाँ पे अगर वायरलेस चार्जर डलवाना हो तो वो भी आप डलवा सकते हो, बट मैंने भाई जो है वो नहीं डलवाया। एंड यहाँ पे भाई आपको अगर दिख रहा हो तो एंबिएंट लाइट भी मिल जाती है जो कि देख सकते हो व्हाइट आती है, उसमें कलर चेंज नहीं होते, डोर्स में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ये भी देख लो यहाँ पे भी मिल जाती है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है वो भी भाई बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। एंड हाँ, एक और चीज भाई,
हर हर गाड़ी में आपने देखा होगा कि ये वैनिटी वैन जो मिरर होता है वो आपको ड्राइवर साइड देखने के लिए नहीं मिलता, बट यहाँ पे भाई आपको ड्राइवर साइड भी वैनिटी वैन मिरर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये छोटे छोटे जो टच किए गए हैं रेनॉल्ट की तरफ से, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हालांकि आपको इधर तो मिलता ही है, बट मेनली भाई ड्राइवर साइड मिलता है वो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद। तो अगर भाई अभी हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसका रियर कंफर्ट, भाई बहुत ही बढ़िया रियर कंफर्ट जो है वो आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं भाई जनरली जो सीट है वो बहुत ही पीछे करके ड्राइव करता हूं, और मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं कि मैं सीट आगे करके ड्राइव करूं। मेरे को भाई जनरली यही पसंद है कि मैं सीट फुल पीछे करके ड्राइव करूं। एंड अगर मेरी हाइट की मैं बात करूं तो मेरी हाइट भाई ऑलमोस्ट 5'8" 5'9" होगी, 5'9" तो होगी शायद। ओके, एंड देख सकते हो उसके हिसाब से मेरी जो ये सीट है वो एडजस्टेड है। एंड भाई मैं पर्सनली बहुत ही सीट जो है वो पीछे करके ड्राइव करता हूं, और फिर भी भाई देख लो अच्छा खासा आपको यहाँ पे लेग रूम जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। हेडरूम भी भाई आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको हेडरूम जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बार मैं आपको आगे बैठ के भी दिखा देता हूँ कि आपको आगे भी कैसी स्पेस जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो देख लो भाई सीट जो है वो बहुत ही पीछे है, एंड अच्छा खासा आपको स्पेस जो है वो देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ। तो इस वजह से भाई इसका जो रियर कंफर्ट है ना वो भी भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये चीज भी भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एंड अगर भाई मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखाऊं तो बूट स्पेस भी भाई आपको अच्छी खासी जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। देख लो भाई अच्छी खासी आपको 400 लीटर्स के कुछ समथिंग है, मेरे को अभी मेरे को भाई एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो आपको ऐसी कुछ बूट स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर भाई अभी हम इसके लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, ऑलमोस्ट मैंने आपको 12 पॉइंट्स तो बोल दिए, मैंने 11 का बोला था बट 12 हो गए, कोई नहीं। बट जो कि भाई आप सभी को जो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो गाड़ी है भाई वो कितनी माइलेज देती है। देखो भाई हमारी इंडियन कम्युनिटी में माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा पहली प्रायोरिटी पे रहती है, कि माइलेज जो है भाई वो भाई हमको अच्छी मिलनी चाहिए। अभी भाई मैं एक छोटी सी ट्रिप पे आया हूं, और देख सकते हो मैंने घर से निकला था तब मैंने अपना ट्रिप ए जो था वो सेट कर दिया था, और अभी तक हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये जो भाई 200 किलोमीटर है वो टोटल हाईवे पे नहीं है, थोड़े बहुत आप 20-30 किलोमीटर सिटी में भी है। तो अभी मैं जो हूँ भाई वो सिटी में हूँ, तो इस वजह से 20-30 किलोमीटर सिटी में है, और बाकी के हाईवे में जो थे मैंने कवर किए थे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एवरेज माइलेज जो है वो 18 शो हो रही होगी। तो अगर भाई मैं आपको इसकी बेस्ट माइलेज बोलूँ तो हाईवे पे भाई ये गाड़ी जो है आपको इजीली 23 की माइलेज निकाल के दे देती है। मैंने एक शॉर्ट क्लिप जो थी वो भी मैंने शूट की थी, तो वो मैं आपको बीच में डाल दूंगा, तो वहां पे आप वो देख सकते हो कि ये जो गाड़ी हाईवे पे आपको इजीली 23 की माइलेज निकाल के दे देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये चीज भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई कि माइलेज के मामले में इस गाड़ी का भाई कोई भी मुकाबला नहीं है। तो बस गाइस यही था आज का ये वीडियो, आई होप भाई आप सभी को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जल्दी मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।